अस्सलाम वालेकुम। ओवरलोडेड चॉकलेट केक, और ये देखिए इसमें मैंने कुछ किया है, कुछ तो न्यू। और नेम देख रहे कितना स्पेशल, और इस केक का लुक कितना ही स्पेशल। इसको बनाने के लिए हम फुल प्रोसेस आपको बताएंगे, अभी फुल वीडियो वॉच करना, स्किप करके मत देखना, कहीं मिस ना हो जाए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और इस केक का लुक डेकोरेशन कैसा लग रहा है आपको, इसलिए आप फुल वीडियो देखिए। ये मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज लिया है, इसको 3 लेयर में कटिंग करके, और पहले बोर्ड पर मैंने क्रीम लगाई थी थोड़ी सी, फिर उस पर मैंने फर्स्ट अपना स्पॉन्ज की जो लेयर थी उसको चिपका लिया था। और ये देखिए जो बिस्किट है ना हमारी, उसको मैंने क्या किया है, हेड एंड सिक बिस्किट जो है हमारे, उस पर मैंने क्रीम लगा दी, जैसे रहती ना ओरियो बिस्किट में क्रीम। जैसे कि आपको पता होगा इस केक पे मैं ओरियो बिस्किट यूज़ करती हूँ, और ओरियो बिस्किट को मैंने हेड एंड सिक बिस्किट से रिप्लेस किया है। उसकी जगह पे ये मैंने लगा दिया है हेड एंड सिक बिस्किट, तो उसको कैसे अलग अलग लगाते, इसलिए मैंने जो चॉकलेट क्रीम थी हमारी उसको ही बीच में सेट कर दिया था। और तीनों लेयर की कटिंग करके सेम प्रोसेस से पहले मैंने इसको सोक किया शुगर सिरप से, फिर उस पर मैंने क्रीम लगाई चॉकलेट वाली। और चॉकलेट क्रीम देख रहे कितनी ज़्यादा चॉकलेट है, बहुत सारा मैंने भर भर के चॉकलेट डाली है। चॉकलेट डालने के बाद फिर मैंने ये इसको, ये देखिए मैंने कर ली थी पहले, फिर इस क्रम कोटिंग पूरी अच्छे से चॉकलेट क्रीम से एकदम स्मूथ वाली, फिर उस पर मैंने लगा दी है वाइट क्रीम, क्योंकि हमारे जो केक का जो लुक है वो वाइट क्रीम वाइट केक के ऊपर ही है, इसलिए हम ऊपर वाइट क्रीम से अच्छे से कोटिंग करेंगे, और इसको पैलेट नाइफ और स्क्रबर की हेल्प से पूरा स्मूथ और फिनिशिंग देंगे, बहुत अच्छी वाली फिनिशिंग। और ये देखिए हमारी बातें करते करते कितनी अच्छी सी फिनिशिंग हो गई है, थोड़ी थोड़ी हुई है मगर पूरी नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है अभी इस केक में। और ये देखिए मैं फटाफट इसे रोटेट कर करके स्मूथ दे रही हूँ, और इसको एकदम अच्छे से जो साइड में ना थोड़ा थोड़ा सा वो हट जा रही थी वहाँ की क्रीम, तो वहाँ पे मैंने थोड़ी सी और क्रीम लगाई और फिर इसे कर लिया था। ये जो केक है मेरा, इस केक के मुझे इतने सारे ऑर्डर्स आते ना अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही केक को बार बार बना के मैं बोर हो जाती हूँ। फिर क्लाइंट ने कहा था कि मुझे ओरियो बिस्किट और किटकैट नहीं चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, बोला उन्होंने कुछ भी लगा दो पर वो मत लगाना। मैंने कहा ठीक है वैसे ही बना दूँगी जैसा आपको चाहिए। फिर मैंने लिया चॉकलेट गनाश, मैं पाइपिंग बैग से भी डालती हूँ और ऐसा स्पून से भी डाल लेती, कोई मसला नहीं है, हमारी ड्रिप वैसे ही बन जाएगी। और ये देखिए बहुत सारी मैंने चॉकलेट डाल ली थी बीच में, पर मुझे लग रही है कि कम है, मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर चॉकलेट डालूँगी गनाश, चॉकलेट गनाश डाल कर बहुत सारा से अच्छे से इसको फैला लेंगे, फैलाने के बाद पूरा सही से फैल जाएगा तो ये ड्रिप खुद ही हमारी नीचे आ जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छे से ड्रिप बन गई है हमारी, हमें पूरे नीचे तक ड्रिप बनानी है। और कितना शाइनिंग हमारा गनाश है ना, कितना शाइन कर रहा है, देख रहे हैं आप इसका लुक, बहुत ज़्यादा ही शाइनिंग कर रहा है। मैंने खुद अभी देखा है वीडियो में, क्योंकि केक बनाने के टाइम तो इतना दिखाई नहीं देता है ना, फटाफट काम करनी होती है इस वजह से। और ये देखिए चॉकलेट आइसक्रीम, आइसक्रीम वाली चॉकलेट, चॉकलेट वाली आइसक्रीम नहीं, ये केक है, अंदर इसके केक है और ऊपर से मैंने चॉकलेट की कोटिंग करी है। और आपको अब मुझे मैसेज करना तो मैं आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी कि इस चॉकलेट को ऐसे आइसक्रीम वाले केक चॉकलेट कैसे बनाते हैं, फुल रेसिपीज की मैं शेयर करूंगी आपके साथ। और इसके साथ मैंने अभी शेयर नहीं किया क्योंकि वीडियो हो जाती बहुत ज़्यादा लॉन्ग, फिर मज़ा नहीं आता। फिर देखिए मैंने चॉकलेट गार्निशिंग भी थोड़ी सी बना ली थी, मैंने चॉकलेट वेफर लिया है मैंने, और फिर जो हमारी औरती है हाइड एंड सिक बिस्किट, उसको मैंने जो क्रीम लगा के रख ली थी 5 से 7 बिस्किट पर, मैंने ऐसे ही किया था सबको, जैसे ओवरी बिस्किट रहते 2 बिस्किट ज्वाइन रहती है एक साथ, वैसे ही मैंने ज्वाइन करके दोनों बिस्किट को एक साथ रख लिया। देखिए इसको ज्वाइन भी नहीं किया, क्रीम भी दिखाई दे रही है, ऐसे ही मैंने किया है रिप्लेसमेंट इसका। और एक चॉकलेट आइसक्रीम हमारी जो केक वाली मैंने नीचे लगा दी थी, और बबल शॉट जो बबल वाले बॉल आते हैं ना छोटू छोटू से, वो लगा दिए बहुत सारे। ऐसे डार्क कलर पे लाइट कलर का केक अच्छा लगता है ना, और उस पर फिर लाइट कलर का अगर हम नेम लगा दें तो और भी केक का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको इसका मैं वेट भी आपको बताऊँगी, जैसे कि मैंने बताया था इस टाइप के केक का वेट मेरा हमेशा 1 kg हो जाता है, मैं परेशान हूँ इतना ज़्यादा वेट अगर देंगे क्लाइंट को तो कैसे चलेगा। और सामने दिख रहा है हमारा नेम भी रेडी है, अब इसे हम एक एक अल्फ़ाबेट निकाल के लगा देंगे। ये देखिए एस निकालने के टाइम जो वाइट चॉकलेट होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उससे हल्का सा थोड़ा
होती है तो टूट जाती है वो, और फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा तो उतना चल जाएगा, मैं उसको और ऐड कर दूंगी फिर ये हो जाएगा गोल्डन डस्ट, और फिर उसके बाद सारा स्प्रे जिससे हमारे बिस्किट गार्निशिंग कुछ कुछ चॉकलेट्स पूरे गोल्डन गोल्डन हो गए, और मैंने जो आइसक्रीम पर थोड़ी सी स्प्रिंकल डाला था वो भी गोल्डन गोल्डन दिख रहा है, और फिर क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये ओवरलोडेड चॉकलेट। आप सबको कैसा लगा ये ओवरलोडेड हमारा थोड़ा सा डिफरेंट वाला केक? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड होने वाली है, आपसे मिस ना हो जाए। और ये देखिए इस केक का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जिसका बर्थडे हो या इस टाइप का ओवरलोडेड चॉकलेट केक हो, अगर वहाँ पर बच्चे हो फिर तो उनकी पार्टी हो जानी है, क्योंकि बच्चों को तो केक पर यही मज़ा आता है कि बस केक कटिंग हुआ और उड़ा उड़ा कर खाओ। देखिए जो हमारा एस टूट गया था उसे मैंने ज्वाइन कर दिया, कुछ ज्वाइन करने के लिए किया नहीं, और इसका वेट देखिए 1 kg तक पहुंच ही गया। अब मैं क्या करूँ आप बताओ, क्लाइंट एक्स्ट्रा पे नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें उतना में ही चाहिए होता है जितने में एक बार उन्होंने ले लिया है, और इस केक का वेट बढ़ जाता है ज़्यादा। अब मैं क्या ही करूँ, और मैं रेगुलर क्लाइंट है इसलिए मैं मना भी नहीं करती हूँ, दे देती, ठीक है भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा लॉस चल जाता है रेगुलर क्लाइंट्स के लिए। और ये देखिए इसका लुक कितना सुंदर है ना, सुंदर बहुत ज़्यादा वाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।